What's up, guys? Click the subscribe button and press the bell icon to stay updated with our videos. Hello, students, and welcome back to BankExamsToday.com. Mera pet dialogue ban gaya yaar ab to. So this is not a normal video. Kind of a casual video. Kuch padhane nahi wale, koi course nahi hai, nothing special. So yes. थोड़ा स्पेशल तो है. दिस इज़ अ नॉर्मल लैंग्वेज दैट आई स्पीक, राइट? इंग्लिश होता है, इंग्लिश प्लस हिंदी काइंड ऑफ अ थिंग दैट आई डू. सो आज स्पेशल क्या है? ये एक पिज्ज़ा का बॉक्स भेजा है, मतलब पिज्ज़ा का बॉक्स नहीं है. इसमें हम लोगों को एक तो लेटर आया है. यू हैव जस्ट डन समथिंग दैट वेरी फ्यू यूट्यूब क्रिएटर्स अकम्प्लिश. 100,000 पीपल सब्सक्राइब टू योर चैनल. तो यार दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेशल टू मी. आज तक वैसे कुछ खास मुझे अवार्ड वगैरह मिले नहीं हैं, बिकॉज पर्सनली मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव किस्म का इंसान हूँ. इंट्रोवर्ट आप कह सकते हैं. सुबह आई जस्ट गो टू द जिम करता हूँ डेली सुबह, एंड देन आई गो टू द ऑफिस. तो घर आता हूँ, आईपैड पे पढ़ता हूँ, अगले दिन पढ़ाता हूँ. तो ये मेरी नॉर्मल रूटीन है पिछले 4-5 सालों से. सुबह पढ़ना है, अभी रात को पढ़ना है, सुबह पढ़ाना है, जिम करना है थोड़ा बहुत, रनिंग शनिंग एंड ऑल, बस दैट्स इट. इससे मतलब बॉडी का ध्यान रख लेते हैं थोड़ा बहुत. छुट्टी ज़्यादा करने का टाइम नहीं मिलता है. आई मीन इन अ ईयर इट्स हार्ड टू बिलीव दैट पिछले 4-5 सालों में मैंने एक बार भी हॉलीडे पे नहीं गया. कुछ इमरजेंसी हो जाए, मतलब बहन की शादी है, कुछ हो गया है, मतलब तो आई कैन डू दैट. अदरवाइज मैं कभी छुट्टियाँ मना नहीं गया पिछले 5 सालों में. सो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट. बट एनी हाउ मैं अवार्ड फंक्शंस वगैरह पे मतलब होते हैं हमारे एडुकेशनल, यू नो, ग्लोबल इंडियन, यू नो, एडुकेशनल अवार्ड एंड ऑल, ये वो बहुत कुछ होता है. लेकिन हमें इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम ये सब छोड़ के दिल्ली में या आप कह लो बैंगलोर वगैरह जा पाएँ. सो व्हाट्स स्पेशल टुडे? आई मीन दिस इज स्पेशल, दैट्स व्हाट वी गॉट, द यूट्यूब क्रिएटर अवार्ड फॉर पासिंग 100,000 सब्सक्राइबर्स नाम लिखा हुआ है. दिस वॉन्ट बी पॉसिबल विदाउट यू. आई मीन सी स्टूडेंट्स, आई मीन सब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन वहाँ पर सब जगह वन वे कम्युनिकेशन होता है. बट हम क्या बनाते हैं? हम वीडियोज बनाते हैं, वी डू द स्टडी मटीरियल, वी डू द टेस्ट सीरीज, वी डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली. आई मीन हम जो भी करते हैं वो आपके फीडबैक जो हमें मिलता है, आप जो कहते हैं मैं वो करता हूँ. आई स्टार्टेड इन 2013. आई मीन बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं. आई मीन देर आर पीपल जो मुझे कहते हैं सर आप खुद क्यों नहीं जॉब कर लेते. 2013 में, चलो ये देख लिया है, अब छोड़ दो इसको. 2013 में व्हेन आई स्टार्टेड ना, आई कंप्लीटेड माय एमबीए इन 2013, एंड उस टाइम आई गॉट द जॉब इन दीना बैंक. एंड उस टाइम पे दो जगह जॉब मिली थी सरकारी प्रॉपर. मुंबई मिला, मैं दूर केरला मिल गया, होम सिटी नहीं मिला. आई एम फ्रॉम लुधियाना. सो इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव इन सच मेट्रो सिटीज. आई मीन आई एम अ लुधियाना गाय, प्योर पंजाबी गाय, सुबह जिम करने वाला, बटर चिकन टाइप्स, यू नो. मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया सुबह 2 घंटे ट्रैवल करना, यू नो, मतलब मुंबई लोकल्स एंड ऑल. सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता. आई मीन राइट नाउ मेरा जो ऑफिस है इट इज़ एट अ वॉकिंग डिस्टेंस. विद इन 5 मिनट्स आई कैन रीच माई ऑफिस फ्रॉम हेयर. राइट नाउ आई एम एट होम, बट अपने घर से ऑफिस तक 5 मिनट में पहुंच सकता हूँ. एंड फ्रॉम माई होम टू माई जिम विद इन 10 मिनट्स. इट्स नॉट इवन पॉसिबल फॉर मी टू, यू नो, ट्रैवल फॉर 2 hours एवरी डे. आई कॉन्ट डू दैट. And sitting on a chair, I mean, counting the notes, ये मेरे लिए possible नहीं. I know a lot of you are having a dream of, you know, working at a bank branch, at a bank, or even at RBI and also. But ये मेरा passion है. I mean, I am working for this thing. I mean, I got the silver one, I need a gold one, and I want to help you. I want to help people like you. I mean, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए, यू नो, नाबार्ड के लिए, बैंक के पेपर्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मिसगाइड हो रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स के पास जाते हैं, वो उनसे बहुत सारे पैसे लेते हैं, और यू नो कैटल्स की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है. देर आर लाइक 200 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, 800 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू टीच. यू कैन नॉट कॉल योर टीचर.
इवन इतने जो स्टूडेंट फेल हो रहे हैं बार बार वही पढ़ा रहे हैं, एटलीस्ट हम लोग पास हो गया है, हमारे पास जो काम साथ में, वी आर अ टीम ऑफ टीचर्स, एटलीस्ट हम जो कर रहे हैं वी आर ऑल छोड़ के बैठे हैं। आई नो बहुत सारे लोग हमें बेवकूफ़ भी कहते हैं कि यार व्हाई डिड यू लेफ्ट योर जॉब, हमसे नहीं हो पाया यार, सॉरी नहीं हो पाता सबसे। सो वट एवर वी आर डूइंग वी आर हैप्पी विद इट, एटलीस्ट आई मीन फ्रॉम लास्ट 4-5 years आई एम डूइंग इट, आई एम रियली हैप्पी। I mean, shooting with on the cameras, you know, writing notes, writing questions, checking the answers. People, they just call us and we, you know, we solve their problems. A lot of students are there. मैं आपको mail दिखाऊंगा. They tell us, sir, आपके notes की वजह से. I mean, it's not just to me. Bank exams for the team है. Team, आपकी team के notes की वजह से, I'm able to crack the exam. Hundreds of students, hundreds actually, and thousands. So उससे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यस हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ द डे वी आर डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव। आई नो बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे, अब खुद मतलब बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं एक्चुअली। मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, सारे के सारे, ब्लॉग पे, यूट्यूब पे, सब जगह सब पढ़ता हूँ मैं। रिप्लाई सब नहीं करता लेकिन सारे पढ़ता हूँ। 90% अच्छे होते हैं, 10% बुरे होते हैं, लेकिन बुरे ही जल्दी पढ़ता हूँ मैं। अटेंशन लेने के लिए कि लोग बुरे नेगेटिव मैसेज करते हैं, इट्स ओके। बट व्हाट्स अ प्लान हर्ट, आगे जाके हम क्या करने वाले हैं? देखिए, व्हाट वी प्रोड्यूस, व्हाट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग, द नोट्स और व्हाट एवर वी आर प्रोड्यूसिंग, नोट्स, टेस्ट सीरीज और कोर्सेज, आप लोगों ने रिकमेंड किया तो हम बना रहे हैं। आई वॉज अ ब्लॉगर इन 2013-2014 में, अब सिंपल ब्लॉगिंग कर रहा था, सिंपल BankExamToday.com एक ब्लॉग हुआ करता था, ब्लॉग बना रहा हूँ। आई मीन आई वॉज गेटिंग एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज, मेरा कट रहा था, मेरा चल रहा था, आई वॉज ओके विद इट। आप में से कई लोगों ने बोला सर इफ़ यू आर मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो व्हाई डोंट यू मेक अ कोर्स, सेंड अस अ DVD। भेज दिया मैंने, ओके। शूट करके मुझे कैमराज का तो वैसे ही शौक था, फोटोग्राफी का, तो मैंने बना के भेज दिया। Then some of you requested me, सर आप नोट्स, आपके ब्लॉग अच्छे हैं, आप नोट्स भी बना के दे दो, दे दिए। Then gradually मुझे लगा भी मैं वर्क एट होम क्यों कर रहा हूँ, लेट्स मेक एन ऑफिस। तो धीरे धीरे भी नाउ वी आर डूइंग अ फुल फ्लेज्ड कोर्सेज, अभी RBI के लिए प्रॉपर एक एक साल का कोर्स कर रहे हैं। I mean, I'm really happy with that, actually. So, thank you all, actually. आप लोगों के बिना ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। आई मीन इट्स अ ड्रीम टू मी। आई मीन व्हाइल इन कॉलेज लोग पूछते थे कि क्या आप क्या बनना चाहते हैं, आई मीन तो आई वांटेड टू बी अ ब्लॉगर एक्चुअली। आई मीन स्टिल रिमेंबर इन 2012 व्हाट यू वांट टू बी, आई मीन आफ्टर 5 years, 2012-13 में, आज 5 साल हो गए हैं। दिस इज़ द पोजिशन आई वॉन्टेड टू बी। आई मीन it's not in terms of money. I could have made a lot of money. I mean, could have made a lot of money. मैं बहुत सारे ज़्यादा पैसे कमा सकता था और चीज़ों से, obviously बैंक में जाके तो नहीं, but ये वो चीज़ है जो मैं अगले 10 साल तक कर सकता हूँ। और क्वालिटी जो है पिछले 5 सालों से अगर मैं कंपेयर करूँ 10 गुना बढ़ चुकी है क्वालिटी। कॉन्टेंट का वॉल्यूम जो है वो बहुत बढ़ चुका है। मैं अकेला काम करता था, अभी 5 लोग साथ में काम करते हैं, फ्रीलांसर काम करते हैं, 15-20 लोग हम काम कर रहे हैं। आई मीन एवरी डे वी आर प्रोवाइडिंग यूजफुल कंटेंट टू आर स्टूडेंट्स। ये आपके बिना पॉसिबल नहीं हो पाता एक्चुअली। आई मीन इवन आई गिव माई नंबर टू एवरीबॉडी, 9067201000। आई मीन सब लोग नहीं देते, ये मेरा पर्सनल नंबर है एक्चुअली। कह लीजिए सपोर्ट संभालना या कुछ भी है, बट मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करने में अच्छा लगता है एक्चुअली। बिकॉज जब आप लोग मुझे अपना फीडबैक देते हैं उस तरह से, फिर हम अपना कोर्सेज जो हैं, फिर हम स्टडी मटेरियल, इवन प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं उसी तरह से हम फ्रेम करते हैं। आप नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा। मीन ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कुछ भी बता बात करनी है, कुछ भी पूछना है पूछिए। बट देखते रहिए, सब्सक्राइब द चैनल, घंटी वाला आइकन दबाइए, आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। बाकी मेरे बारे में कुछ खास इतना जानने वाला है नहीं, सिंपल ग्रेजुएट हूँ पहले तो, उसके बाद PG करा,
BCom MBA from a prestigious college university, Punjab Agricultural University, अच्छी university है. वहाँ से क्यों किया, दूर जाके क्यों नहीं किया, सस्ता था. मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, खुद के पैसों से MBA करा. यस, खुद के पैसों से MBA किया. मैंने कहीं से लोन लेके या घर वालों से पैसे लेके MBA नहीं किया. पार्ट टाइम जॉब करता था एंड स्कॉलरशिप मिली मेरे को. कार्ड में अच्छा परसेंटाइल था, वहाँ पे कट ऑफ 50-60 ही जाता था मेरा, आई थिंक 98-99 पता नहीं कितना था, अच्छा ही था. तो इसलिए उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिया 40,000 का एंड फीस भी कम था. तो इट वाज लाइक फ्री में MBA हो गया. पैसे थे नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, इतने पैसे नहीं थे. तो अच्छा, मतलब अजीब अजीब सी जॉब्स करी हैं लाइफ में मैंने. दुकानों में, DJs के पास, वीडियो एडिटिंग करता था मैं एक DJ वाले के पास. उससे पहले अजीब सी जॉब्स, अकाउंटेंट का काम भी मैंने किया. अकाउंटेंट CA के पास मैंने अकाउंट्स का जॉब करा. आई वॉज लाइक इन, मुझे लगता है आई वॉज इन 10th जब मैंने काम करना शुरू किया, पार्ट टाइम या कह लीजिए समटाइम्स फुल टाइम. मैंने बहुत जगह काम किया. थोड़ा सा अजीब सी स्टोरीज हैं. कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव भी रहा हूँ, अकाउंट्स भी किया है, DJ बहुत बहुत काम किए हैं एक्चुअली. उसके बाद MBA करके IBPS निकाला, SBI निकाला, PO लेवल. उस टाइम आसान होता था, इस अभी से तो बहुत एग्ज़ाम अच्छे निकाले. बट नाउ जो है आप देख रहे हैं, वी हैव अ ग्रेट मोबाइल एप्लीकेशन, बहुत सारे यूज़र हैं, 100,000 प्लस यूज़र्स ऑन मोबाइल एप्लीकेशन. 70,000 पीपल यू नो वॉच और रीड आर कॉन्टेंट एवरी डे. बहुत सारे लोग डाउनलोड करते हैं. इवन वी हेल्प, देर इज़ हेल्प द ब्लाइंड फाउंडेशन, जिसको हम सपोर्ट करते हैं, अपना कॉन्टेंट फ्री में देते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये मेरे बारे में है. कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन नहीं हूँ मैं. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना कंटेंट जितना हो सके उतना रीज़नेबल रखूँ प्राइसेस, क्योंकि मुझे सरवाइव करना है. क्योंकि अगले 10 साल तक करना है तो पैसे चाहिए होते हैं थोड़े से, जो लोग काम करते हैं उनको चाहिए. बट दैट्स ऑल अबाउट मी, यही हूँ मैं. मतलब मैं कुछ ज़्यादा हाई फाई बैकग्राउंड से नहीं आया. आई एम नॉट फ्रॉम अ मिलियनर फैमिली. कोई फंडेड भी नहीं है कंपनी हमारी. बैंक एग्जाम्स टुडे इज़ नॉट अ फंडेड कंपनी. किसी ने फंड नहीं किया हमें. बूटस्ट्रैप कंपनी है. यस, देयर वर पीपल, बहुत सारी बड़ी कंपनी, TCY, हॉलीवुड एंड ऑल, ये हमारे स्पॉन्सर होते थे. हम इनको प्रमोट करते थे और ये हमें पे करते थे. बट एट राइट नाउ हमारे पास, हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं है, कोई बूटस्ट्रैप्ड है, स्क्रैच से काम करते हैं. सो इतना सही है मेरे बारे में, अभी जितना है बता चुका हूँ. मैं बोरिंग बंदा हूँ एक्चुअली, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं हूँ. सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं हूँ, यूट्यूब एंड ऑल. व्हाट्सएप नंबर मैं दे चुका हूँ, मतलब आई एम नॉट दैट एक्टिव. सो इतना ही है मेरे बारे में, बोरिंग हूँ पूरा यार भाई, इतना इंटरेस्टिंग नहीं हूँ. सो दैट्स ऑल. ज़्यादा लंबा खींच रहा हूँ यार, 14 मिनट हो गया. सो एक बार फिर से दिखा देता हूँ यार, दिस इज़ व्हाट इट इज़. थैंक यू. सो आपकी वजह से मिला है. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन. थोड़ा इमोशनल हो गया. थैंक यू बड़ी, थैंक्स अ लॉट, बाय.